Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, assalamu alaikum. I am Ram Kumar, your science teacher. आज 25 जून 2020 का जो हमारा साइंस से रिलेटेड टॉपिक है वो है एनर्जी ट्रांसफर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। जब किसी सर्किट से इलेक्ट्रिक सर्किट से यानी करंट गुजरता है तो करंट गुजरने की वजह से जो है यानी जो एनर्जी पैदा होती है उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज द एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस विद इन अ सर्किट, यानी किसी सर्किट से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से पैदा होने वाली एनर्जी जो है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो यानी मुख्तलिफ फॉर्म ऑफ एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट हो सकती है। तो हमने यहाँ पे यही देख रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी चेंजेस इन टू लाइट एनर्जी, जैसे हम कोई बल्ब चलाते हैं, कोई ट्यूबलाइट चलाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो बिजली से चलती है। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जब सर्किट से पास होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, लाइट एनर्जी में। ठीक है, इस तरह हम जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो है वो लाइट एनर्जी हासिल करते हैं और जिसकी वजह से हम जो है वो लाइट इज प्रोड्यूस। इसी तरह हीट एनर्जी, अगर हम इलेक्ट्रिकल हीटर चलाते हैं या आयरन यानी इस्त्री जो है हम बिजली पर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फिर चेंज होता है हीट एनर्जी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरह से जो है वो मुख्तलिफ फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म इंटू मैनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसके बाद साउंड एनर्जी की मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी है, जैसे हम कोई टेप रिकॉर्डर या कोई इलेक्ट्रिक बेल यूज करते हैं जिसमें से सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और वो कन्वर्ट होता है साउंड एनर्जी में, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट काइंड ऑफ साइंस जो है वो हम सुन सकते हैं। तो इस तरह जो है नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है मैकेनिकल एनर्जी इन फैंस के, जो हम फैंस किसी हम फैन से यानी हवा यानी हासिल करने के लिए इस मकसद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो कि बिजली से चलता है। तो उसमें भी क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट के गुजरने से सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में, तो जिससे हमें जो है यानी हवा मिलती है। तो इसी तरह यहाँ पर एक हमारे पास डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, हम कहते हैं द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ सर्किट। इन एक सर्किट में जो है यानी जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है दो पॉइंट्स पर पोटेंशियल का जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहते हैं। तो वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है वोल्ट्स में, यानी पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज की जो यूनिट है यानी जो उसकी बिगर यूनिट है उसे हम वोल्ट कहेंगे। इसके अलावा इसकी बहुत सी स्मॉलर यूनिट्स भी हैं जिसे जैसे कि मिली वोल्ट है, इसी तरह किलो वोल्ट है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि वोल्टेज जो है जैसे हमने यूनिट की बात की, अब हम देखते हैं कि वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कैसे किया जाता है। तो हम कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज इज मेजर बाय वोल्ट मीटर, यानी एक डिवाइस है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर के जरिए जो है हम पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन लिखी है कि ड्राई सेल जो है वो मतलब उसमें जो वोल्टेज होती है यानी 1.5 वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस उसमें पाया जाता है। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है आप लोगों के लिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है ये मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है। रेजिस्टेंस इज द हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, यानी किसी अगर वायर से
क्योंकि वायर कंडक्टर होता है, तो हम कह सकते हैं कि किसी कंडक्टर में से अगर करंट गुजर रहा है तो फ्लो ऑफ चार्जेस को चूंकि हम करंट कहते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस को हम करंट कहते हैं। तो जब किसी कंडक्टर से या किसी वायर से करंट गुजरता है तो जो चार्जेस होते हैं वो यानी मेनी टाइम्स जो है वो कोलाइड करते हैं विद द एटम ऑफ वायर और एटम ऑफ कंडक्टर, जिसकी वजह से यानी बहुत ज़्यादा करंट के फ्लो में या फ्लो ऑफ चार्जेस में जो है वो रुकावट आती है, उस रुकावट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि मेजरमेंट ऑफ यानी रेजिस्टेंस को हम इस तरह से भी यानी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है, कि मेजरमेंट ऑफ हाउ वेल समथिंग कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अगर हमारे पास कोई कॉपर वायर है दैट इज कंडक्टर, तो उसमें मतलब यानी उसमें कितनी मिकदार में जो है वो करंट जो है वो इजीली फ्लो कर सकता है, इस चीज का नाम है रेजिस्टेंस। हम कहते हैं द मेजरमेंट ऑफ हाउ वेल कितनी बेहतर अंदाज में या कितनी ज्यादा मिकदार में जो है किसी कंडक्टर में से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यानी उस मेजरमेंट को फ्लो ऑफ चार्जेस की मेजरमेंट को कि कितना ज्यादा जो है वो फ्लो ऑफ चार्जेस जो है वो या करंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट हो रही है किसी कंडक्टर में से, तो इस चीज का नाम रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जैसे मैंने वोल्टेज की यूनिट का बताया, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की जो यूनिट है उसे कहते हैं ओम। ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। इसी तरह जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है लेंथ ऑफ वायर और थिकनेस ऑफ वायर पर। यानी जो लॉन्ग और थिन वायर होंगे उनकी रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगी बनिस्पत यानी शॉर्ट और थिक वायर्स के। यानी लॉन्ग एंड थिन वायर्स हैव मोर रेजिस्टेंस, ये मेन पॉइंट है एमसीक्यू के लिए मार्क कर ले। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस के बाद हम पढ़ रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। यानी रेजिस्टेंस और वोल्टेज का आपस में क्या रिलेशनशिप है, यानी वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस। यानी यहाँ पर एक केमिकल इक्वेशन है, इलेक्ट्रिकल इक्वेशन है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज ओवर करंट, जिसमें यानी हम क्या कहते हैं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द वोल्टेज दैट इज डिवाइडेड बाय करंट। यानी रेजिस्टेंस जो किसी को बोला है, वोल्टेज को अगर करंट पर डिवाइड किया जाए तो हमें रेजिस्टेंस हासिल होती है, दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। इसीलिए हमने रेजिस्टेंस की जो यूनिट है, यानी चूंकि एक जर्मन साइंटिस्ट था जॉर्ज सिमन ओम, इसने चूंकि ये ओम्स लॉ डिस्कवर किया था और इसी नाम की मुनासबत से जो है हमने रेजिस्टेंस बल्कि हमने यानी ओम में जर्मन जो साइंटिस्ट था ओम ने जो है इसी अपने नाम की मुनासबत से यानी जो रेजिस्टेंस की यूनिट है वो उसे जो है ओम कहा। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने रेजिस्टेंस को पढ़ा, इसके अलावा रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस को डिस्कस किया, और जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था जिसमें हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किस तरह से डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफॉर्म या तब्दील होती है। तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर इस टॉपिक के हवाले से आपको कोई मुश्किल पेश आए, कोई क्वेश्चन अराइज हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।